दूसरे चरण में 484 निवासियों को वितरण, 40 साल बाद न्याय मिला है। दूसरे चरण में समीर कुनावार ने पिंपलगांव रोड और तुकड़ोजी वार्ड के 484 निवासियों को आक्षेप पत्रिका और पट्टे वितरित की। दूसरे टप्पे में 200 वाटअप होने वाला है। स्थानिक तहसील कार्यालय के सभागृह में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री किशोर दीघे, तहसीलदार श्रीराम मुदड़ा, भू अभिलेख संजय मड़के, नायक तहसीलदार पवार उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए कुनावार ने कहा कि वह आज बहुत संतुष्ट है, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कुनावार ने आगे कहा कि हिंगनघाट 1979 में महापुर में बह गया था। नदी के किनारे बस्तियों में पानी भर जाने के कारण इसे भारी नुकसान पहुंचा था। तब तत्कालीन शासन शहर के बाहर विविध जगह पूर पीड़ित वसाहत करके 1300 पूरग्रस्त कुटुंब को घर दिए थे। उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनको कायम स्वरूपी पट्टे व आखिर पत्रिका न देने के कारण नाम पर घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए ऋण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कई आंदोलन हुए, लेकिन इस मुद्दे को हल नहीं किया गया। मुझे पहली बार विधायक के रूप में चुने जाने के बाद सरकारी दरबार में इसके लिए बार बार पाठ पुरावा किया। इसके बाद तत्कालीन जिला अधिकारी शैलेश नवल और राजस्व विभाग के साथ 50 से 60 बैठक हुई। विद्यमान जिला अधिकारी विवेक भीमनावर, उप विभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाई और तहसीलदार श्रीराम मुदड़ा ने अथक प्रयास किया। तत्कालीन पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने 9 अगस्त 2019 को पहले चरण में 200 से अधिक निवासियों को पटेयक वितरित किए थे। आज दूसरे चरण में 484 लोगों को वितरित किया। तीसरे टप्पे में नांदगांव पूर पीड़ित के 200 से ज्यादा लोग आखिर पत्रिका का पट्टे का वितरण किया जाएगा। समापन भाषण में तहसीलदार पवार ने प्रबंधन के साथ साथ दर्शकों का धन्यवाद भी किया। जिला महामंत्री किशोर दीघे, बिस्मिल्ला खान, विठू बेनिवार, नगर सेवक अंकुश ठाकुर, छाया सतपुते, रविला अखाड़े, आशीष पर्वत, नरेश युवनाथे, शीतल खंदार, चंदू मालरे, शिवाजी अखाड़े, अनिल गहरवार, संदीप सरकार, आशीष वरखड़, नीलेश वागमारे, तुषार हवाकर आदि मौजूद थे। 1979 में जो महापुर आया था हिंगनघाट क्षेत्र में, जूनी बस्ती में, उसके तहत जो लोगों को उस वक्त पूर्वग्रस्त के नाम पर कुछ प्लॉट मिले थे और कुछ पूर्व पीड़ित क्वार्टर मिले थे, आज 40 साल हो गए हैं लेकिन उनको उनके आक्यू पत्रिका और पट्टा मिला नहीं था, उनके नाम से कुछ भी नहीं था। इसलिए लोगों ने बार बार बहुत आक्रोश किया, मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, लेकिन उनको 40 साल में कोई न्याय मिला नहीं था। लेकिन जब से मैं इस विधानसभा का आमदार बना, ये विषय मैंने वर्धा के कलेक्टर जो पहले थे सलील साहब, उनके पास मैंने इसकी मीटिंग ली। बाद में नवल साहब आए, शैलेश नवल साहब, उनके पास भी मैंने मीटिंग ली और फिर उन्होंने मदद किया। अभी बिमनवाल साहब है कलेक्टर, उनके पास भी मीटिंग लिया। उसके बाद में जो जो लोगों के पट्टे मिले नहीं, उन लोगों को हमने उसकी लिस्ट बनवाया। लिस्ट बनवा के फिर उसका रिकॉर्ड निकालने के लिए तहसीलदार साहब और यहाँ का भूमि अभिलेख, तो दोनों विभागों ने इस पर काफ़ी काम किया। और उसके बाद में कुछ लोगों के पट्टे बने जो अपन ने एक साल पहले 9 अगस्त 2019 को यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया था, उसमें अपने पिछले सरकार के जो अपने पालक मंत्री थे चंद्रशेखर जी बावनकुए, वो यहाँ पे आए थे और उनके हाथ से अपन ने कुल 122 लोगों को पट्टे वाटप किया था, उसका शुभारंभ किया था। और वो 40 साल के बाद में उनको पट्टी की शुरुआत ये अपन ने 9 अगस्त 2019 को किया था इसी जगह पे। उसके बाद में जो लोग बचे थे उनका फिर से रिकॉर्ड निकाल के, मेरा उनके पीछे हमेशा पाठ पुरावा चालू था कि भैया होना चाहिए होना चाहिए। अभी तक मेरी कम से कम 50 के ऊपर मीटिंगें हुई प्रशासन के साथ में, और जिन जिनके लोगों के नमूना पास था लेकिन जिनका रिकॉर्ड में नाम नहीं था, ऐसे कुछ लोगों का रिकॉर्ड उन्होंने निकाला, कुछ रिकॉर्ड वर्धा से निकाला, ऐसे करके आज 90% लोगों के पट्टे अभी तैयार हो गए हैं। और जिसमें से आज फेज टू यानी सेकंड टप्पा, दूसरा टप्पा का आज वितरण हिंगनघाट में भी हमने शुरुआत किया है। इसमें जो तुकड़ोजी वार्ड में जो एरिया है, जिसमें करोड़े कॉलोनी को लगा हुआ एरिया है, भाड़ा कॉलोनी को लगा हुआ एरिया है, हाईवे के बाजू में जो है क्वार्टर का जो एरिया है, ऐसे 484 लोगों के
आखिर पत्रिका और पट्टे ये पूरे तैयार किए अभी, और उसका आज वाटर प्रत्यक्ष वाटर बाज यहाँ पे तहसील ऑफिस में हुआ है। और कल हम जो नांदगांव बोरगांव का एरिया यानी शास्त्री वार्ड है, उसके बाद में कबीर वार्ड है, उसे इंदिरा गांधी वार्ड है, वहाँ के जो लोग हैं उनके भी पट्टों का वाटर कल करेंगे। मैं बोलने का तात्पर्य ये 4-5 साल से मैं इसके पीछे लगा हूँ और आज मुझे इसकी खुशी हो रही है कि आज मैं ये काम प्रशासन के माध्यम से हम कर पाए। हमने जो प्रयास किया उस प्रयास को आज अभी यश मिलता दिखा है। उसमें अड़चन ऐसी थी कि काफ़ी लोग थे जिन्होंने पट्टा, जिनको भूखंड मिला था नमूना पास, उन्होंने पट्टा बेच दिया था या फिर किसी दूसरे को दिया था, लेकिन आज वो जगहों पर नहीं है। जो ओरिजिनल मालक है वो नहीं है, लेकिन जो आज रह रहे हैं वो किसी के पास में बिक्री है, किसी के पास में वारसा न है, ऐसे कुछ कागज है, तो उनके माध्यम से भी उनको जो पट्टा मिला है वो उनके नाम से होने में मदद मिलेगी। आज करीब करीब 1200 से 1500 लोगों को डिंगनगढ़ शहर के ये 40 साल के बाद ये न्याय आज मिला हुआ है। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, मैं SDO साहब को धन्यवाद देता हूँ, मैं तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूँ, पूरी यंत्रणा को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो नगर सेवक है, जो नीलेश कुगले है, रविराज अखाड़े जी, इन्होंने भी सब घर तक जाना, उनको लाना, उनकी माइक लाना, इधर में मारुति साठे, सबने मदद किया है और ये आज काम सफल हुआ है। इसमें कुछ लोगों में अड़चन ही होगी, लेकिन पूरा अगले महीना 2 महीने तक यही काम चलते रहेगा और जो भी हर एक की अड़चन है वो दूर करके हर एक को न्याय देने का प्रयास मैं करने वाला हूँ। मेरे जो मैंने तय किया था कि मेरे जो स्वप्न के जो काम थे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी था और आज अभी आपने जो पूरा होता देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हिंगनघाट से रवि नोरकर की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।